देखो सुल्ताना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी नज़र में तो उनका मुतालबा बिल्कुल भी नाजायज़ नहीं है। लोग तो अपनी बेटियों की खुशियों के लिए जहेज में फर्निश घर, गाड़ी और पता नहीं क्या कुछ देते हैं। उन्होंने तो ऐसा कोई मुतालबा किया ही नहीं। और अगर यही बात वो शादी के बाद करते तब भी तो तुम उन्हें देती ना, तो अभी दे दो, कम अज कम तुम्हारा एहसान रहेगा सारी जिंदगी। देखो अरफा, मेरी बात समझो, तुम अच्छी तरह से जानती हो मुझे। बात घर की है ही नहीं, बात तो है मेरी बेटी की खुशी की। जब वो ही राजी नहीं है तो फिर मैं क्या करूं? अरे यार, तो नवाल को समझाओ ना। अजद कितना अच्छा लड़का है, इतने अच्छे रिश्ते आजकल नहीं मिलते बार बार। चलो अच्छा ठीक है, मैंने माना कि इस वक्त उनके हालात ठीक नहीं है इसलिए उन्होंने मुतालबा कर दिया है, तो ये बात करने का तरीका ठीक नहीं था। ये तो बिल्कुल उन्होंने इस तरह से बात की कि नवाल का इतना दिल दुखा है, साफ महसूस हो रहा है उनके पास से तो लालच की बू आ रही है। अरे यार, उनकी मजबूरी को भी समझो, नवाल को समझाओ। और अगर सोचो हम लोग नवाल के दिन मान करना इस रिश्ते से इनकार कर देते हैं, तो क्या गारंटी है कि आगे जो लोग मिलेंगे वो डिमांडिंग नहीं होंगे? आजकल लोग इतने ज्यादा डिमांडिंग हो गए तुम्हें पता ही नहीं। जरा बाहर निकल कर देखो, कानों को हाथ लगाओगी और फिर ना ये लोग तुम्हें फरिश्ता लगेंगे, फरिश्ता। देखो आरफा, मेरी बात सुन, अपनी बेटी की खुशी की खातिर मैं एक घर तो क्या, 10 घर भी होते ना मेरे पास तो मैं वो भी दे देती, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बात की है ना आरफा, मुझे उनका तरीका बिल्कुल समझ में नहीं आया कि शादी ना करने की धमकी दी उन्होंने। इससे तो उनकी नीयत साफ जाहिर है ना, जैसे वो इसी मौके के इंतजार में थे कि सब कुछ तय हो जाए और वो ये मुतालबा रखें। अरे यार, तुम जानते नहीं हो फलक की शादी में ना लोग नवाल के बारे में क्या क्या बातें कर रहे थे कि बड़ी को छोड़कर छोटी की शादी कर दी, शायद बड़ी कमाती है उसकी कमाई खाना है इसलिए, या फिर नवाल का किसी से चक्कर है। किस किस की जबान रोकेगी? अगर हम लोगों ने इनकार कर दिया ना इस रिश्ते से, तो लोग समझेंगे कि जरूर दाल में कुछ काला है। यार, मैं तुम्हें बहुत समझदार समझती थी। चलो नवाल तो जज्बाती है, तुम तो अकलमंद हो ना, किस किस की जबान पकड़ोगी, किस किस का मुंह रोकोगी? ना लोग रुकते ना उनकी जबान है। अगर लड़की की उम्र निकल गई ना, तो फिर रिश्ते नहीं मिलेंगे। चलो भाई, मैंने तो तुम्हें सब कुछ समझा दिया, अब आगे तुम्हारी मर्जी, जो फैसला करना है करो।